नमस्कार बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी कितनी जमीन। हिंदी वाटिका की पुस्तक कक्षा सातवीं की पुस्तक पाठ पांच कितनी जमीन। तो इस कहानी के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं कहानी। पाठ परिचय है, मनुष्य की वास्तविक अवस्थाएं बहुत कम है। क्या? मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम है, परंतु हमारी महत्वाकांक्षाओं ने इसे काफी बढ़ा दिया है। लोभ ही हमारे विनाश का कारण बनता है। इस पाठ में हमें लोभ न करने की सीख मिलती है। जी हाँ बच्चों, हमारे पास और कोई धन हो न हो, लेकिन संतोष का धन अवश्य होना चाहिए। यदि संतोष का धन हमारे पास है तो हम हर कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और लोभ रूपी परेशानी में पड़कर हमें हानि ही होती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि लोभवश एक किसान को अपनी जान देनी पड़ी। तो पढ़ते हैं कहानी कितनी जमीन। तो कहानी है कि बहुत पुरानी बात है, एक किसान था, उसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? सुखिया। उसके पास खेती के लिए बहुत सी जमीन थी, अच्छा घर बार था, अच्छी गुजर बसर हो रही थी, किसी चीज की कमी न थी, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। और अधिक पाने की उसकी इच्छा मिट्टी नहीं थी। एक दिन सुखिया अपने घर के बाहर बैठा था। सांझ हो गई थी, तभी एक राहगीर आया और जो रात भर रुकने की जगह चाहता था। सुखिया दिल का बुरा नहीं था, उसने उस राहगीर को रात भर रुकने के लिए अपने घर में आश्रय दे दिया। राहगीर का मतलब समझते हो? मुसाफिर है ना। तो मुसाफिर आ रहा था, उसको रात को रुकना था, तो सुखिया ने उसको जगह दे दी। खान पान के बाद दोनों बैठे तो देर तक बातचीत हुई। बात से बात निकली तो सुखिया ने राहगीर से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि बहुत दूर दरिया के पार एक विशाल बस्ती बस रही है। तो दूर क्या बताया उसने कि दूर एक बस्ती है और जहां पर वो जा रहा है वहां बहुत सारी जमीन है और बहुत सस्ते में मिल रही है। तो जमीन बहुत अधिक उपजाऊ भी है, थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहरा जाएंगी। तो हमारे गांव का ही किसान था, दाने दाने को मोहताज था। उसने वहां जमीन खरीदी थी, आज उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। खेत खलिहान रुपए पैसे गाय बैल सब कुछ है। अगर बात बन गई तो मैं भी कुछ ही सालों में माला माल हो जाऊंगा। अब राहगीर की इस तरह की बात सुनकर, अब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन सुबह राहगीर तो अपनी राह पर चला गया, लेकिन सुखिया के मन में उथल पुथल मचा गया। सुखिया का मन अत्यंत बेचैन हो उठा। उसे अपना घर छोटा सा लगने लगा। बहुत सा पाने की चाह मन में लोरे लेने लगी। बहुत सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचा कि एक बार उसे भी जाकर बहुत सारी जमीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी सी तैयारी की उसने और रास्ते का खर्च लिया और अपने एक नौकर को साथ लेकर चल पड़ा दरिया के पार की जमीन को देखने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहगीर की कही बात बिल्कुल सही थी। दूर दूर तक जमीन फैली हुई थी। वहां के लोग भोले वाले और सीधे साधे लग रहे थे। उनके पास अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां ही थी। उनका रहन सहन भी सरल था। जब उन्हें पता चला कि वह वहां जमीन खरीदने के लिए आया है, तब वे उसे गांव के मुखिया के पास ले गए। सुखिया ने देखा कि मुखिया भी उन्हीं की बात सरल है। उसने मुखिया को अपने आने का कारण बताया। अब मुखिया ने जमीन देने की बात पर कोई आनाकानी नहीं की।
उसने सुखिया से कहा कि जमीन का जो टुकड़ा लेना चाहे ले सकता है। मुखिया की बात सुनकर सुखिया खुश हो गया। जमीन का भाव पूछने पर मुखिया ने बताया कि जमीन की कीमत 1,000 रुपये एक दिन की है। सुखिया को कीमत कुछ अटपटी लगी। उसने पूछा, 1 दिन के 1,000 रुपये ये कैसी कीमत है? 1,000 रुपये में आप कितने एकड़ जमीन देंगे? तो मुखिया बोला, हम एकड़ के हिसाब से जमीन नहीं बेचते, तो हम दिन के हिसाब से जमीन बेचते हैं। तुम एक दिन में पैदल चलकर कितनी जमीन नाप लोगे, वह सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। अब सुखिया बोला, अगर मैं एक दिन में बहुत सारी जमीन नाप लूं, तो क्या यह मेरी हो जाएगी? तो मुखिया बोला, हाँ, वह सारी जमीन तुम्हारी होगी। मुखिया ने हंसते हुए उत्तर दिया, लेकिन शर्त यह है कि जिस जगह से तुम जमीन नापना शुरू करोगे, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसी जमीन पर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। वह सारी रात करवटे बदलते बीती उसकी। अब सुखिया पूरी रात करवटे क्यों बदल रहा था, क्या कारण था? सुखिया इसलिए पूरी रात करवटे बदल रहा था कि उसको बेचैनी हो रही थी, वो सुबह कब हो और वो फिर बहुत सारी जमीन को नापने के लिए जाए, इसलिए उसको रात को नींद नहीं आई। अब सुबह हुई तो सुखिया मुखिया के पास गया। ठीक है, और मुखिया तैयार बैठा हुआ था। वो अपने साथ गांव के लोगों को और लिया और सब एक ऊंची टेकड़ी पर पहुंच गए। वहां से सुखिया ने देखा तो दूर तक हरी भरी धरती बिछी थी। मुखिया ने कहा, यह सारी हमारी जमीन है, जितनी चाहे ले लेना। सुखिया की निगाहें जमीन पर टिकी थी। उसका मन सारी जमीन पाने के लिए ललचा उठा। अब जब मुखिया ने कहा कि यह सारी जमीन हमारी है और जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, जितनी जमीन लेना चाहो ले लो, तो सुखिया के मन में और ज्यादा लालच आ गया। उसका मन किया कि वो सारी जमीन को ले ले। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रख दी। फिर बोला, यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यही आकर तुम्हारी नाप खत्म होगी। जितनी जमीन नाप सको वह सब तुम्हारी। तो सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। सोचने लगा कहाँ से शुरू करूं। मन ही मन अच्छी भूमि की परख की और फावड़ा लिया और रोटी अपने अंगोछे में बांधी, पानी का बंदोबस्त किया और चल पड़ा बहुत सारी जमीन पाने की ललक में। अब शुरू में तो वह बहुत धीरे धीरे चला। जब उसने 1,000 गज जमीन नाप ली तब वह ठहरा, जमीन में गड्ढा खोदा और घास ऊंची करके रख दी। ठीक है, ताकि दूर से सभी को उसके द्वारा नापी जमीन दिखाई दे। अब सुखिया ने जब जमीन नापना शुरू किया तो कितनी जमीन नापी उसने? शुरू में 1,000 गज जमीन नापी और वहां पर गड्ढा करके घास खड़ी कर दी, ताकि गांव वालों को सबको वो जमीन दिखाई दे। अब उसके बाद क्या होता है? क्या सुखिया पूरी जमीन नाप पाता है या सुखिया पूरी जमीन नहीं नाप पाता? क्या सुखिया पूरी जमीन नाप कर वापस आ पाता है या नहीं आ पाता? ये कहानी मैं पूरी करूंगी दूसरी वीडियो में। कहानी अभी और बड़ी है, इसको मैं दूसरी वीडियो में पूरी करूंगी। तब तक आप यहाँ तक कहानी को अच्छे से पढ़िए और 10 कठिन शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए हिंदी की नोटबुक में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।